ये हेलो दोस्तों, आज हम बेसन की बर्फी बनाने जा रहे हैं। और ये जो है चीनी, ये चीनी हो गई है और ये यहाँ पर जो है चाशनी तैयार हो रही है, ये तैयार कर रहे हैं। और ये बेसन है, ये देखिए शुद्ध बेसन है, साफ सुथरा, इसे छानना पड़ता है। इसी के बाद हम बर्फी बनाएंगे। लेकिन और ये क्या है चाची? सूजी। ये सूजी है जो छान लेते हैं पहले हम इसको। ये सारा प्रोसेस होता है इतने तक हमारी चाशनी जो है वो उबल करके, ये देखिए उबलना, उबाल इसमें आ गए हैं, ये उबल जाएगी। तब तक हम ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। सूजी, सूजी कितनी है? 1 किलो सूजी है, 1 किलो सूजी, 2 किलोग्राम मैदा और बेसन, 5 किलो बेसन, 5 किलोग्राम बेसन। देखते हैं कितना तैयार होता है। और इसके बाद में ये हमारा 4 किलोग्राम बड़ा डब्बा घी का है, ये देखिए ये घी और चीनी हमने डाल दी है। और इस तरह से, हाँ इस तरह से जो देखिए ये इलायची तैयार हो जाएगी। इलायची को हमने अलग से निकाल लिया है। और इसमें हम ये देखिए कुछ लौंग भी डालेंगे, ये छिलके हैं इधर, और इनके बीज जो है वो हमने यहाँ इस तरह से देखिए ये निकाल लिए हैं। दो तरह की इलायची है इसमें, येलो और ब्लैक, ये बीज हैं, इनको पीस लेना है। कई लोग पीसते हैं, कई लोग नहीं पीसते हैं, लेकिन ये लौंग है। और ये हमारा थोड़ा सा काजू दाने हैं जो बेसन की बर्फी में डाले जाएंगे। ये मगज हैं और ये हमारा जो है नारियल का चूरा जिसको कहते हैं वो है। और अब हम आगे का प्रोसेस जो है वो तैयार करेंगे। ये हमारी चाशनी जो है उबलने को हो गई है, ये देखिए पूरा उबाल आ गया है इसमें। 4 किलो चीनी है, 1 किलो पानी है। हाँ, इसकी तार लगा के देखियो, एक तार की हो गया, ये एक तार की, ये चाशनी पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसका जो ऊपर से कचरा है वो भी हमने निकाल लिया है, अभी इसको उतार लेते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा, ये पूरी तरह से उबल के तैयार हो गई। और ये हमारे पास गोंद है। गोंद कितना है चाचा? 1 किलोग्राम गोंद। ये जी घी में पूरा तड़क उबाल, और 4 किलोग्राम घी जो है इतने माल में हम लोग डालेंगे, 5 किलो बेसन, 1 किलो मैदा और 1 किलो सूजी, 1 किलो गोंद, मगज, इलायची, लौंग और नारियल का बुरादा, ये सब तैयार हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा भूंज लेते हैं, गोंद को पहले भूनते हैं, इसका थोड़ा घी और डाल देते हैं। ये देखिए मावा, घी को थोड़ा पिघलने देंगे। गोंद
तो जी गर्मा गर्म गोंद, ये वैसे खाने वाला नहीं है, अभी खाने के लिए तैयार होगा। ये देखिए इसमें से ये पूरा भूज करके तैयार हो गया है। ये देखो घर घर में हलवाई, एक घर में पांच पांच हलवाई है। देखो ये देखो जी एकदम दानेदार गोंद है। ये बेसन की बर्फी में डाला जाएगा। ये एक अलग प्रोसेस है, पहले इसे पकाना पड़ता है। सूजी तैयार हो रही है। ये इसमें सूजी डाल दी है और ये तैयार हो रही है। तब तक हमारा ट्रैक्टर जो है, ये देखिए सारा काम एक साथ चलता है जी। ये नया लिया है अभी ट्रैक्टर, और ये हमारा जोंगा फिटर। ये देखिए ये पंजाब में बड़ा चलता है, लेकिन हमने यहाँ पर भी तैयार किया हुआ है। और ये देखिए जी हम खुली खेती, खुला खाना और ओपन रसोई। ये सूजी बनकर तैयार हो जाएगी, इसे भूनना पड़ेगा थोड़ा सा। ये ब्राउन कलर की हो जाती है। कितनी देर पकाना पड़ेगा चाचा इसको? ये देखिए 10-12 मिनट तक हल्के हल्के आंच में भूरा होने तक, इसे मंद मंद आंच में जो है इसको पकाना पड़ता है। ये घी देखिए पूरा इसने सोख लिया है। ये थोड़ा हल्का कलर जब इसका चेंज हो जाएगा तब इसे उतार लेंगे यहाँ से। ये गोंद है, ये लो जी मैदा, ये मैदे को भूनता जा रहा है। ये मैदे को भूनने के बाद जैसे आप हलवा बनाते हैं उसी हिसाब से सूखा मैदा जो है ये इसमें डाला के जाएगा। करीबन 2 किलोग्राम मैदा है, इसको भूंज करके और एकदम परखरा हल्का ब्राउन इसको कर लेंगे हम लोग। जिस तरह से हलवा बनाते हैं तो उस मैदा या जो आटा होता है उसको भूंजा जाता है, बस वही प्रक्रिया होगी जैसे आगे बनाते हैं। हल्का ब्राउन होने देते हैं हम लोग इसको। ये जो मैदा है उसे इस तरह से रफ करने से क्या रहता है कि थोड़ा पकने में आसान रहेगा, और मैदे का एक एक जो कण होता है वो पकता जाता है। ये घी दोबारा हमने फिर से उबालना शुरू कर दिया है, गर्म कर लिया है इसको। ये एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद में जो है बेसन है वो हम डाल देंगे। ये सारा यहाँ पर तैयार हो गया है। ये गोंद गरम तैयार है और वो गरम मैदा तैयार हो गया है। ये देखिए वो सूजी तैयार है, और अब ये बेसन
इसको हम इसमें घी में डाल देंगे। इधर ये चाशनी तैयार हो गई है, ये देखिए ये चाशनी हो गई है। और इसके बाद ये है, अब बेसन डालेंगे इसमें। ये लो जी, अब बेसन को पूरा गरम कर लेते हैं, पका लेते हैं इसको अच्छे से। ये पूरा का पूरा घी में जो है बेसन को भूंदा जाएगा। ये देखिए, अब ये भून करके बेसन की बर्फी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। उससे पहले इसमें चाशनी डलेगी और बादाम, किशमिश और लौंग, इलायची, बहुत सारी चीज़ें डालने वाली हैं। और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। गुड।